अभी एक बंदा मिला, उसने मुझे खजूर ऑफर किए, फिर दूध ऑफर किया। अल्जीरिया का बंदा है, थोड़ा सा अलग टेस्ट था, पर काओ मिल्क था तो ऐसा पता लग रहा था कि हाँ गाय का ही है। फिर कुछ बातें होने लगी, वो बोला कि रिकॉर्डिंग से कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर मैंने क्लोज कर दी। वो बात कर नहीं रहा था जब तक रिकॉर्ड हो रहा था ज़्यादा। काफ़ी डिस्कशंस हुए कंट्रीज़ के बारे में, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, कौन से कंट्री में कैसे क्या होता है, रिलीजन से रिलेटेड, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड। बहुत ही डिसेंट और हम्बल टाइप के इंसान, रिलीजियस मैटर में अपने फेथ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट, मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी चीज़ों पर। पर ठीक है, वो आई थिंक मुझे लगता है कि हर इंसान ही होता है। मैं थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होता हूँ, थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, स्वेटर वापस से पैक कर लिया है, सारी चीजें भी सेट कर ली हैं फिर से, बहुत ही उबड़ खाबड़ हो गया था बैग। वॉशरूम में अभी लाइन लगी है, इतने सारे लोग आ गए हैं पता नहीं कहाँ से, रात में तो दिख नहीं रहे थे ये, थोड़ा खाली होगा तब यूज करूंगा मैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी, वो बंदा मुझे बता रहा था कि वो तंबाकू कैसे लेता है, उसको सारी टेक्निक्स बता दी थी, तो उसको लगा कि इंडिया में बस सूंघते हैं, कहता कि हमारे यहाँ पे ऐसे लेते हैं। मैंने कहा अरे सेम ही है यार, हर जगह ऐसे ही लेते हैं। मिस्टर मोहित, ट्रैवलिंग टू स्टॉकहोम, थैंक यू फॉर चूजिंग योर ड्रेस, हैव अ प्लेजेंट फ्लाइट। स्टॉकहोम में लैंडिंग हो चुकी है, अच्छी जगह है, एटलीस्ट दोहा से कंपेयर करूँ तो वेदर अच्छा है, बहुत पीसफुल है। आते ही मैंने जो यहाँ पर देखा, एक बोर्ड लगा हुआ था, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। ये सिर्फ इंडिया तक नहीं है, बाहर भी सावधान रहना पड़ता है, आपका बटुआ मारा जा सकता है। अभी बैगेज का वेट कर रहा हूँ, हमेशा मुझे लगता है कि पता नहीं आएगा नहीं आएगा, कहीं रहना गया हो बीच में। ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लग गए, मुझे लगने लग गया था पता नहीं आया या नहीं आया, स्पेशली कनेक्टिंग फ्लाइट्स में, और वो भी मल्टीपल कंट्रीज से जब आ रही हो तो मुझे और डाउट होता है, कहीं रहना गया हो, कहीं कहीं और ना पहुंच गया हो, बेफालतू का फिर उस पर एफर्ट वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा।